शूटिंग बाद में होती है पर पहले चाय आए नहीं पकौड़े भी पकौड़े आने वाले अभिषेक आपको पता नहीं है आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि हमारे शो में पकौड़ों का क्या रिलेवेंस है क्या रिलेवेंस है पकौड़े हो या ना हो पकौड़ों की बात जरूर होती है बात होती है ये देखो ये हम खाते हैं पकौड़े हैं हाँ और शुगर फ्री यूज करते हैं शुगर फ्री यूज करते हैं Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos. मैंने last year बड़े अच्छी चीज़ देखी जब fitness industry एकदम stop हो गई थी अभिषेक. तब आए the best thing आए notice was कि आपने सब लोगों को इकट्ठा किया पूरी gym के जितने लोग हैं associations को इकट्ठा किया और आप ने एक तरीके से बहुत ही एक ढंग से जिसको कहता हूँ उसको मैं प्रोटेस्ट वर्ड ही नहीं बोलना चाहता बिकॉज इट वाज नॉट अ प्रोटेस्ट इट वाज कि जो एक्टिविटी आपकी एक्चुअली हेल्थ को इन्हेंस करेगी जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगी वर्कआउट्स एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म मेरे को लगता है स्विमिंग पूल भी अब तक नहीं खुले दोबारा नहीं खुले ना तो पर जिम्स खोलने के पीछे इस रीजन में गवर्नमेंट ने कैसे आपकी बात सुनी आपको लगता है कि वो वहाँ तक बात गई कि नहीं गई आई वुड से कि बहुत सारे शहरों में अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था हाँ जी और जिम लाइन में जितने भी लोग हैं ना चाहे जिम ओनर हों चाहे ट्रेनर हों ये वो लोग वो कैटेगरी ऑफ पीपल है जो बहुत ही मेहनती लोग हैं जी ट्रेनर्स की अगर मैं बात करूँ मतलब जिम लाइन में ना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन आते हैं मतलब वो लोग आते हैं जो पैशनेट होते हैं मतलब वो ज़्यादा बिजनेस माइंड नहीं होते बस वो पैशनेट होते हैं या वो जिम ओनर बनते हैं या उनके अंदर स्पोर्टिंग एनर्जी होती है वो जिम ट्रेनर बनते हैं और चार ऐसे लोगों के लिए 4-5 महीने अगर इनकम का सोर्स ख़त्म हो जाना और प्रोवाइडेड बाकी चीज़ें चल रही हैं और सिर्फ यही चीज़ मार्केट में एक मैसेज जाना कि जिम में शायद कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा या जिम वाले प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करा पाएंगे तो वो माइंड में एक बहुत बड़ा डीमोटिवेटिंग फैक्टर काउंट करती है क्योंकि ना जो भी लोग जिम बनाते हैं अपना वो कौन लोग हैं मैं बताता हूँ वो या तो वो स्टूडेंट होते हैं या वो स्ट्रगलिंग अपना करियर बनाना चाहते हैं 10-15 लाख में वो जिम शुरू करते हैं कोई लोन लेके करता है या अपने करियर की स्टार्ट में होता है और माइंडेड 10-15 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है मतलब आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए तो आई थिंक ये एक लाइफ टाइम की सेविंग होती है जो एक एंटरप्राइज में लग जाती है बिल्कुल और मतलब बहुत कम ऐसा लोग होते हैं कि जो बहुत बड़े बिजनेस बैकग्राउंड से आके जिम खोलते हैं ऐसा नहीं है बहुत कह लो जी मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जो इस जिम लाइन में जाते हैं अपना करियर बनाना चाहते हैं और उन लोगों के लिए और ट्रेनर्स तो आजकल आप कह लीजिए जो फिटनेस इंडस्ट्री की हालात है क्योंकि उनको डाइट का भी खर्चा होता है अपना फिर फैमिलीज हैं अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं तो हैंड टू माउथ ही होते हैं बेसिकली अभिषेक एक एवरेज डाइट पे मतलब कितना खर्चा हो जाता है मतलब अगर एक कंपीटिंग बॉडी बिल्डर ही हो जो हम चाहत होती है कि सिक्स पैक भी हो प्रॉपरली मसल मास भी बिल्ट हो तो कितना खर्चा एट एन एवरेज एक बॉडी बिल्डर रखता है अपने देखिए ये बॉडी बिल्डर के लेवल पर डिपेंड करता है कि कौन कितने बड़े लेवल का बॉडी बिल्डर है और उसको कितनी डाइट चाहिए किस लेवल के सप्लीमेंट्स उसको खाने हैं वो उस पर डिपेंड करता है बट आप नॉर्मल मान लीजिए कि एटलीस्ट आई थिंक 15,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक ये वेरी करती है चीज़ जो एक इंडिविजुअल लेवल पे करनी पड़ती है पर्सन को अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊँ कि 15,000 से 50,000 रुपये एक बॉडी बिल्डर यानी कि एक वेट लिफ्टर या जिस भी कैपेसिटी में आप इनको अलग अलग नाम देते हैं हालांकि ये सारी अलग अलग होते हैं वेट लिफ्टर डिफरेंट होता है बॉडी बिल्डर डिफरेंट होता है जो कि हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया है 15,000 से 50,000 में मुझे मैं पंजाबी में वर्ड बोलूँगा टब्बर पूरा टब्बर का ना खाना मतलब बच्चों का खाना मतलब 50,000 इज़ लाइक अर्निंग 50,000 रुपीज़ अ मंथ इज़ अ बिग चैलेंज और उतना सिर्फ फूड पर स्पेंड करना अदर लाइवलीहुड की चीज़ों से अलग हटके इट्स अ ह्यूज इमोशनल इन्वेस्टमेंट मैं कहूँगा फाइनेंशियल से ज़्यादा खर्चा प्लान ही करना मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है तो ऐसे चैलेंजेस हैं मार्केट में और उस टाइम सरकार ने तो प्रोटोकॉल्स बनाए हुए थे कि फर्स्ट लॉकडाउन की अगर मैं बात करूँ कि इतने महीने बाद ये चीज़ खुलेगी इतने महीने बाद ये चीज़ खुलेगी प्रोवाइडेड अगर केस कम जाते हैं तो अकॉर्डिंगली उन्होंने जब खोलने थे तभी खोले हैं उन्होंने अगस्त में ही प्लान करा हुआ था कि जिम्स खोलेंगे तो अगस्त में खोले और अगर आप मेरी स्टोरीज फॉलो कर रहे हैं
तो पहली स्टोरी मैं अभी दिखाऊंगा जो कैमरे के पीछे, बट 5th August 2020 को जब अनलॉक हुआ था और जिम खोले थे, अभिषेक आई वॉज इन द जिम। मैंने अमन को 4 तारीख को फोन किया था, उसने कहा था सर पर ना कुछ टाइमिंग्स थे कि कुछ फिक्स टाइमिंग्स के बीच में खोलते कि 6 से 9 खुलेगा या टिल व्हाट टाइम। मैं जिम चला गया था, ये पकौड़े लाओ देखो देखो ये दिस इज पार्ट। तो हम बात कर रहे हैं हेल्थ और फिटनेस की और पकौड़े भी। तो अभिषेक यही तो फिटनेस है? नहीं, इसी को समझें कि क्या हमारी बॉडी इतनी केपेबल है कि हम पकौड़े उसको हजम भी कर जाएं एंड वी आर स्टिल कंसिडर्ड फिट। देखो इस चीज़ पे मैं यही कहना चाहूँगा, हम जिस माहौल में रहते हैं हर इंसान का दिल करता है कि वो इंजॉय करे, पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, क्यों गोलगप्पे खाए, पकौड़े खाए, टिक्की खाए, ओकेजनली ड्रिंक करे या वट एवर उसकी अगर आदत है अल्कोहल लेने की। ये चीज़ किसको नहीं अच्छी लगती? सबको अच्छी लगती है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा स्पोर्ट्समैन हो या जितना मर्जी बड़ा एथलीट हो, ये चीज़ सबको अच्छी लगती है। बट जब हमारा कोई गोल होता है, हमने किसी चीज़ की तैयारी करनी होती है, तो डेफिनेटली हम बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं अपनी डाइट पर। बट जब हमारा कोई गोल नहीं होता या ऑफ सीज़न कह लीजिए, तो ऑफ सीज़न में ओकेजनली ये चीज़ें भी इंजॉय करनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ें खाएंगे ही नहीं तो लाइफ का एक चार्म ख़त्म हो जाता है। फिर तो ये हो गया ना कि हमें एक सज़ा मिल गई है ना, कि ये चीज़ें हमारे लिए बनी ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, ये चीज़ सबके लिए बनी है, सबको इंजॉय करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम आपको पता होनी चाहिए किस समय कितनी खानी है और कैसे खानी। मेरा खाने का ये हिसाब है कि अगर मैं हफ्ते में 3 दिन भी बाहर खा रहा हूँ या बाहर मील्स खा रहा हूँ, तो मैंने अभिषेक ये हिसाब लगाया कि मेरे पास एट एन एवरेज मेरे 6 ब्रोकन डाउन मील्स तो नहीं हो रहे हैं, बट अगर मैं 3 मील्स भी ले रहा हूँ या 4 मील भी दिन के ले रहा हूँ, तो मेरे हफ्ते के 28 मील हैं। अगर मैं उसमें से 3 मील भी बाहर खा रहा हूँ, तो मैं अपनी स्टिल डाइट 90% मेंटेन कर पा रहा हूँ। पर ऐसे नहीं फैल जाना कि रात को मीठा भी चल रहा है, अगले दिन सुबह फिर चल रहा है, फिर चाय के साथ फिर कुछ चल रहा है। यही सबसे बेस्ट पार्ट है, क्योंकि ना हर पर्सन के प्रोफेशन के बैलेंस इज द की। बैलेंस, यस, यू हैव टू। अब सर आए भी बता रहे थे कि जसवी हम इतना ट्रैवल करते हैं, कभी आज इस दिन शहर में, कल दूसरे दिन शहर में, आज कमेटी की मीटिंग है, कितना कुछ, तो कैसे मैनेज करेगा आदमी फूड? आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अभिषेक स्टार्टेड विद 1 जिम इन सहारनपुर, फर्स्ट जिम अल्टीमेट फिटनेस जिम इन सहारनपुर, देन दे ओपन देयर सेकेंड ब्रांच इन डकौली अल्टीमेट फिटनेस, देन आई रिमेंबर अभिषेक यू ओपन्ड योर नेक्स्ट ब्रांच इन मोहाली और इन चंडीगढ़ 46। नो, देन इट वाज इन सेक्टर 67। सेक्टर 67 मोहाली, फिर सेक्टर 46 चंडीगढ़ में, नहीं फिर 70 में खोली थी, 70 फिर 46 में, फिर सेक्टर 9 में खोली, मैं वहां की भी ओपनिंग पे आया था, फिर फेस 11, मैं ऑलमोस्ट सारी ओपनिंग पे गया हूं, बिल्कुल ऑलमोस्ट। फिर इन्होंने आपने सेक्टर 70 में बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन भी कराया था, मैं वहाँ पे भी आया था, फिर 32 सेक्टर में भी कराया था, मतलब लास्ट ईयर मैं तब भी आया था। देखो और हमने जब बॉडी बिल्डिंग द इंडियन वे पहला लार्ज स्केल मोन्टाज भी बनाया था, जब हमने उसको भी लॉन्च किया था, तब भी अभिषेक हमारे साथ थे। आई रिमेम्बर, मैं हमेशा इनके साथ। हाँ नहीं, तब मैंने कहा था, हमने तब मैंने 46 के जिम में शूट किया था, क्योंकि मुझे वो 67 आया था, 67। हाँ राइट, तो ये हमारा जो बॉन्डिंग है, और आई थिंक मैं स्टार्टिंग से आई रिमेंबर द डे व्हेन आई वॉक्ड अप, मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ के गया था अल्टीमेट फिटनेस डकौली में, तो आई रिमेंबर दैट डे, और अभी भी मैं वहीं जा रहा हूँ, मैंने अपने जिम भी चेंज किया, मिला था आपको वहाँ पे, है ना। तब एक्चुअली मैं ऑफिस से जस्ट ऑफिस था और मेरा तब फील्ड ऑपरेशन थे, और मैंने कहा आज तो मैं ऊपर चढ़ ही जाऊँ, मैं इसके बाद ही घर घुसूँगा, क्योंकि मेरे दिन की ना चेकलिस्ट बना रखी थी, और उस चेकलिस्ट में था जॉइन अ गुड जिम। तो जॉइन अ गुड जिम में जब मैं ऊपर गया, फिर आई डिडंट थिंक, मैंने कभी नहीं डिस्कस किया, पूछना होता है कि क्या फीस है, कितना पैकेज है, बस उतना पूछा मैं, आई हार्डली नेगोशिएट, मैं कभी भी नहीं किया, मैं आज भी नहीं करता। तो आई रिमेंबर दैट डे एंड टुडे कि आज अभिषेक और मैं, मतलब तब हम लोग एक्सरसाइज साथ कर रहे थे, अभिषेक यूज टू ट्रेन इन दैट जिम ऑल्सो, आई यूज टू ट्रेन एंड गिव ट्रेनिंग ऑल्सो, और आज हम इस स्टेज में है कि आज हम पकौड़े साथ खा, बट आपने खाया नहीं है, बातें बहुत कर रहे हो, खा नहीं रहे हो। थैंक यू, मैंने उठा लिया है, हाँ ये अपनी प्लेट साइड कर दी इसने बोल के साइड कर दी, मुझे पकौड़े पकड़ा दिए। एक्चुअली मेरा वेट इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बिजनेस लोड की वजह से कुछ पहले हेल्थ इश्यूज भी थे और
अब मेहनत तो कर रहे हैं बट आपको पता है एक बार जब आप शुरू करते हो इट टेक्स टाइम ऑफ। ये प्रॉब्लम मेरे को भी आ रही है, अगर आप मेरी स्टोरीज देख रहे हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पर अभिषेक मुझे बताओ कि व्हेन द बिजनेस हैज़ टेकन ओवर, ऑफ कोर्स हम बिजनेस की बात जरूर करेंगे, जब बिजनेस जैसे ग्रो करता जाता है और एंड हम वी स्टार्टेड विद ट्रेनिंग फर्स्ट, नाउ वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ फिटनेस, तो ये जो आप इवॉल्व किए हैं हाउ हैज द जर्नी बीन, मतलब एवोल्यूशन को कैसे आपने एक्सेप्ट किया है? एक्चुअली ड्रीम तो मेरा यही था कि मुझे डे वन से, जब सहारनपुर में मैंने जिम शुरू करा और वहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए लोगों को और लोगों ने बहुत प्रेज़ करी जिम की, और जो रिजल्ट्स लोगों को आए और जितनी क्राउड हमारे पास आने लगा वो दैट वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इतना सोचा नहीं था। जब आने लगा तो जब आपको रिस्पॉन्स आता है तो आपकी विजन एक्सपैंड होती है, आप सोचते हो कि आप और अच्छा कर सकते हो। वो मेरे साथ भी हुआ, मेरे लगा कि मैं और अच्छा कर सकता हूँ। और ट्राई सिटी का अगर मैं बताऊँ, चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला, एक हर आदमी का ड्रीम होता है कि मुझे यहाँ सेटल हूँ, मेरा यहाँ बिजनेस हो, मेरा घर हो, क्योंकि जगह बहुत अच्छी है इंडिया में रहने के लिए और मेरी एजुकेशन यहाँ की है। ये पांचवा एपिसोड है जिसमें चंडीगढ़ की तारीफ हो चुकी हुई है, इस पूरे ट्राई सिटी रीजन की तारीफ हो चुकी हुई है। मैं बात पकौड़े खाते खाते सत्य मचट कह रहा हूँ, कंटिन्यू। तो वो ड्रीम मेरा भी था कि यहाँ पे सेटल होना है, तो मैंने फिर यहाँ पे आके जो जिम्स थे सर्वे करना शुरू करा। मैं जिम्स में जाता था, पूछता था मेंबरशिप क्या है, पैकेजेस क्या हैं, ट्रेनिंग का लेवल क्या है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि यहाँ मैं रह के अच्छा काम कर सकता हूँ। और इवेंचुअली डिसीजन लिया, जो कि बहुत उस टाइम पे टफ डिसीजन था, रीज़न बीइंग क्योंकि सहारनपुर में मेरा जिम बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत सारे क्लाइंट थे वहाँ पे, और जब आप एक चलती हुई चीज़ को आगे छोड़ के या मैनेजमेंट पे आगे मूव करते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग साथ साथ चलती है। जो लोग बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि तू आगे भाग रहा है, आगे तेरा चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है, पीछे वाला जो तूने मेहनत करी है ये भी ठप हो जाएगा। बट मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा लाइफ में, मैंने कहा जिस अगर मैंने 100 जिम बनाने हैं, अगर मैंने ये ड्रीम बनाया है तो मुझे सिर्फ आगे ही बढ़ना चाहिए, और इतनी मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि मैं इन सब चीज़ों को साथ साथ मैनेज कर सकता हूँ। मैंने टीम बनाई सहारनपुर में और उनके सिर पे जिम छोड़ा और वो जिम बहुत अच्छा चला। फिर यहाँ जीरकपुर में आके जिम्स बनाया और फिर आप वहाँ पर मिले, है ना। अब हुआ क्या कि उसके बाद चेन बननी शुरू हुई, यहाँ टीम बहुत अच्छी बनी, बहुत सारे ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, हर तरह के चैलेंज आए, कंपटीशन भी फेस करा, और चंडीगढ़ मोहाली में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड भी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, रेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, हर तरीके का चैलेंज आया। वो चैलेंज भी जब आपकी विजन बड़ी होती है तो आप हर चीज़ को सीख जाते हो मैनेज करना। और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा तब आपको पता है कि जिम सारे बंद हो गए, तो उस टाइम हमने इनोवेट करा अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस। हाँ, फिर हम मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, तो हमें लगा कि उस टाइम ट्रेंड बहुत था, होम जिम इक्विपमेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और चल ही रहा था उस टाइम पे, और हम फ्री बैठे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे तो इतना स्ट्रगल करा कि अगर कोई बंदा डंबल मांगता था तो मैं घर जाके भी डिलीवर करके आया उन लोगों के। आई गेट दैट। अभी इन दिनों में यस, फर्स्ट लॉकडाउन में क्योंकि तब अल्टीमेट जिम सॉल्यूशन नया नया बना ही था और इसको भी मार्केट चाहिए थी, तो मैंने खुद जाके डिलीवरी करी है, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे या डिलीवरी बॉयज़ थे, स्टोर कीपर थे, वो सब अपने अपने घर चले गए थे, और अपनी लिविंग अर्न करने के लिए वो भी काम करा हमने कि मैंने खुद जाके लोगों के घर डंबल डिलीवर करे हैं, बेंचेस डिलीवर करी हैं। तो उस टाइम माल की इतनी शॉर्टेज हो गई थी और जो लोग थे ढंग से सप्लाई नहीं आ रही थी, तो दिल में आया यार मैन्युफैक्चरिंग करनी ही है, थोड़े टाइम बाद क्यों भी शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह मैन्युफैक्चरिंग में आ गए, और मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद हमारा जो 10 साल का एक्सपीरियंस था इस लाइन में, हमें बायोमैकेनिक्स की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, हमें पता था कि इंपोर्टेड गुड्स में क्या कमियाँ आ रही हैं, इंडियन गुड्स में क्या कमियाँ आ रही हैं, उन सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करी, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक साल में हमने कोई इंडिया की ऐसी स्टेट नहीं है या शहर नहीं है जहाँ हमने कमर्शियल जिम सेटअप ना करा। हाँ, मैं रादर फोटोज में ये भी देख रहा था, अभिषेक उड़ीसा गए हैं जिम सेटअप करने, है ना। नहीं, उड़ीसा में तो हमारी फ्रेंचाइजी खुली। फ्रेंचाइजी मतलब मैं फोटो आई, एक दिन मैं सो के उठा और सुबह मैं स्क्रॉल कर रहा फेसबुक, मतलब वही ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करता हूँ, 5 मिनट ही यूज़ करता हूँ, बट 5 मिनट फटाफट मैंने देखा अभिषेक खड़ा रिबन काट रहा है, और लोकेशन देखी उड़ीसा, मैंने सोचा यार उड़ीसा पहुँच गया अभिषेक। मतलब काफ़ी मतलब अच्छा मुझे फील, मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हुई कि जिम सेटिंग अप जिम्स, और इस अभिषेक की बात से मैं ये भी लाना चाहता हूँ कि इन्होंने खुद
जब भी लॉकडाउन थे और इनको जब भी लोगों ने फिटनेस के लिए इनसे डंबल्स और इनसे इक्विपमेंट्स रॉड्स जो कुछ भी मांगा, अभिषेक ने खुद जाकर डिलीवर किए। तो आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे आप सोचें कि एक पर्सन है वो बिजनेस ओनर है या वो कंपनी के हेड हैं, जब करने पे आती है ना तो उन्हीं के कंधों पे बात आती है। एग्जैक्टली और इनफैक्ट होता ऐसा था कि कई हमारे जिम के मेंबर्स थे और वो ऑर्डर करते थे कि सर ये सामान चाहिए, और मैं अपनी कार में डाल के ले जाता था, क्योंकि लॉकडाउन पहला लॉकडाउन ना इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, आपको पता है सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, सबको लगता था पता नहीं अब क्या होगा, बचेंगे नहीं बचेंगे, और अपने माँ बाप के पास चले जाएँ है ना, रोटी वगैरह वहाँ चलो ढंग से मिल जाएगी व्हाटएवर। तो कई बार ऐसा होता था, मास तो पहना ही होता था, और कई बार मैं डंबल छोड़ने जाता था और क्लाइंट देखते थे कि यार ये तो सर आगे डंबल लेने, कहते सर आप क्यों आगे मैं कहता तो क्या हो गया इसमें क्या है। तो कई बार तो कटी उनको शर्म आने लग जाती थी कि यार सर उठा के डंबल हमारे घर पे रख रहे हैं, तो दे यूज टू फील शाय एंड दे यूज टू से सर हम खुद कर लेंगे, और डंबल हैवी भी होते हैं, मतलब अगर किसी ने 100 किलो माल मंगाया है तो फिर वो हेल्प भी करते थे कई बार कि खुद भी उतारते थे मेरी कार से और घर में रखते थे, आधा सामान मैं रखता था आधा वो रखते थे, डिग्गी में डाल के लेके जाते थे, डिग्गी में डाल के कार में। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि स्टोर पे लोग लेने आते थे सामान और रॉड्स भी दे दो डंबल्स भी दे दो प्लेट्स भी दे दो, 200 किलो माल हो गया और चढ़ाने उतारने वाला मैं ही हूँ, तो मैंने पूरी लेबर भी करी है उस टाइम 10-10 नीचे चक्कर लगा के उनकी कार में रखा है। और फिर एहसास होता था कि जो लोग हमारे पास काम करते हैं उनका कितना मतलब असली जिमिंग तो मेरी तब पता लगी और मैं रात को घर आके ऐसा होता था कि पता नहीं मैं कितने बड़े पहाड़ तोड़ के आया हूँ तो वो दिन भी देखे हैं। उस दौरान में यू लॉस्ट वेट और यू नहीं नहीं लॉस्ट वेट का तो मतलब ही नहीं बनता ना, घर में उस टाइम लॉकडाउन में सब फ्री थे, घर में कभी जलेबियां बन रही हैं, कभी मैगी बन रही है, कभी पिज्जा बन रहा है और जिम बंद हो गए, और जब जिम बंद होते हैं ना तो मोटिवेशन डाउन हो ही जाता है। जितना मर्जी आप होम वर्कआउट कर लो, जिम का वर्कआउट हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ मोटिवेशन होता है, लोग होते हैं, एक माहौल होता है, ट्रेनर्स होते हैं, तो नो डाउट अपने आप को मेंटेन कर रहे थे, बट वेट वुड नहीं गिरा, वेट शायद गेन ही हुआ होगा 2-4 किलो। अभिषेक मतलब जब भी आप अब आप मैंने देखा है कि यू हैव वेंचर्ड इनटू फिटनेस एजुकेशन, यस योर ट्रेनिंग इट्स अ न्यू वेंचर ऑफ अल्टीमेट ग्रुप दैट इज अल्टीमेट फिटनेस एवोल्यूशन एंड वी आर इनटू पार्टनरशिप विद गुरादेश मान हु इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन इंडिया एंड ही इज गॉट वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ साइंटिफिक डेप्थ व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग न्यूट्रिशन एंड माय रोल इन दैट इज जिम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। क्योंकि व्हाट आई फेल्ट, क्योंकि मैंने पिछले 1-1.5 साल में लोगों को काउंसिल करा अपने ऑफिस में, लोगों को जिम सेटअप प्लान करके दिया, लोगों ने जिम सेटअप्स लगवाए मेरे से काउंसिल करके, बहुत सारा इक्विपमेंट हमने सेल करा पूरे इंडिया में, तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि ये इंडस्ट्री बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई इस इंडस्ट्री में कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कैसे नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अगर 25 या 30 लाख का जिम बना रहा है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट उसके साथ जुड़ी हुई है, और इसके पीछे कोई होटल, जैसे आप होटल खोल रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, आपको डॉक्टर बनना है आपको MBBS करनी है, आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग करनी है, अब आपको जिम खोलना है तो पर्सनल ट्रेनिंग और जिम मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं है, कोई कोर्स नहीं है, जिम प्लानिंग का कोई कोर्स नहीं है, और उसमें बहुत वास्ट इतना करिकुलम हमने बनाया है एक एक डिटेल में कि आपके जिम की फ्लोरिंग कैसे होनी चाहिए, इंटीरियर कैसा होना चाहिए, पेंट कैसा होना चाहिए, इक्विपमेंट कैसे चूज़ करने हैं, लोकेशन कैसे फाइनलाइज करनी है, इंटीरियर एक्सटीरियर लाइटिंग का क्या रोल है, रिसेप्शन जिम का लेआउट और किस जगह मशीन की कैसे प्लेसिंग होनी चाहिए, और पैकेजेस मार्केटिंग और जिम बनाने के बाद उसको मैनेज कैसे करना है और उसकी चेन कैसे बनानी है, वो वही चीज़ बता सकते हैं जिसने खुद कराओ तो एंड पीपल आर डेफिनेटली लाइकिंग इट यू नो। एंड पहले बैच में हमें उम्मीद थी कि 15-20 बच्चे हो जाएं पहले बैच में तो विल बी लाइक वेरी सेटिस्फाइड आई एम, बट आई कैन प्राउडली से दैट फर्स्ट बैच में 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, और हम जो हमने क्लासरूम बनाया था दैट कुड अकोमोडेट ओनली 30-35 पीपल, बट आई एम वेरी हैप्पी कि 50 लोग वहाँ बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए। हाउसफुल सेशन किया है अभिषेक ने, हाउसफुल मोर देन हाउसफुल। एक्चुअली सिनेमा में ना पहले क्या होता था, मैं वो आपसे शेयर करूँगा, बिकॉज वी मेक फिल्म, तो सबसे अच्छा मज़ा फिल्म की ना वो काउंट होती थी जिस फिल्म की ब्लैक टिकटें बिके, बिल्कुल। दूसरी चीज़ माई रिमेंबर कि मैंने ना सीटें फुल थी थिएटर की, प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी पौड़ियों पर लगा के और पौड़ियों पर बैठ के भी मैंने फिल्म देखी हुई है, एंड सक्सेस वही है कि जब जगह कम हो और आने वाले लोग बढ़ जाएँ। ये मैंने लास्ट टाइम देखा था जब अभिषेक ने सेक्टर 70 में अपने ग्राउंड में पूरा वो बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन कराया था, और लोग इतने लोग आए थे, मतलब
हमें एंट्री बंद करनी पड़ी थी एक्चुअली, सील करनी पड़े थे गेट्स। फिर मुझे अभिषेक ने कहा था, मतलब आई डोंट नो अभिषेक को याद है कि नहीं, अभिषेक था या कोई टीम में से अभिषेक के मैनेजर था, सर आप फटाफट खाना खा लो। और मैं उस दिन सोच रहा था कि यार अगर मतलब मैं कैसे खाना खाऊं, फिर सारे पहलवान वहां दे दबा दब खा रहे हैं, मैं कहा चलो अब ठीक है। खाना मिला था या नहीं है बताओ? हाँ, मिला, मिल गया था, वो तब मिल गया था क्योंकि आपने टाइम से खा लिया होगा, नहीं तो कई लोग तो बाद में ऐसे ही गए। नहीं फिर जब मैंने उनको देखा ना कि भाई साहब वो खा रहे हैं, तो मेरे अंदर भी मेरे अंदर का इंसान जाग उठा, मैं कहा नहीं यार अगर ये लोग खा सकते हैं तो मैं क्यों कैलोरी डेफिसिट मोड में चल रहा हूँ अभी भी, कि भाई राइस छोड़ो आज क्या लेने हैं, मैं थोड़ी सब्जी और कर्ड और सैलेड डाल के चला जाऊंगा आज। वो होता क्या है, बॉडी बिल्डर आदत ही वही पड़ गई है ना, जैसे कहीं भी जाओ बाहर तो एक सबसे सेफ बेट होती है बाहर के खाने में, जब दाल होती है, एक पनीर होती है, एक मिक्स वेज होती है, एक चने होते हैं और सैलेड होता है और राइस और वो आके ना जब गर्म गर्म रखते हैं ना, सर आप लच्छा पराठा लेंगे आप ये लेंगे, आई एम लाइक कि मैं जिस दिन ट्रेन कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मेरी सोशल ऑब्लिगेशन है, तो मैं पहले चने डाल लेता हूँ, मिक्स वेज डाल लेता हूँ, कर्ड डाल लेता हूँ और सैलेड, दैट इज़ माई मील। पनीर ग्रेवी वाला मैं नहीं खा सकता, क्योंकि अब यार जब आपने आपकी लाइफ ऐसी बन गई कि आपको रोज का एक मील बाहर खाना ही खाना है, या आपकी कॉन्स्टेंट मीटिंग्स हैं रन कर रहे हो, तो एक तो मैं इतना हॉट पैक मील लेके भी नहीं जा पाता, तो मुझे ये थोड़ा सा वे आउट बनाना पड़ता है। और आई थिंक ऐसे ही यही डिसिप्लिन अगर आप डाल लें कि अवेलेबल में से आपने कितना खाना, कि जैसे पकौड़े भी आए हैं तो आई एम लाइक मेरा टेस्ट जो है ना वो मेरे दो पकौड़ों में टेस्ट पूरा हो गया, उसके बाद मैं इसे पेट भर सकता हूँ मैं पाँच बार खा के, पर मेरा टेस्ट पूरा हो गया है, तो मैं दो खाऊँगा या मैं 20 खाऊंगा, अब ये मेरी नियत बताएगी। बट दो पकौड़ों में आपकी 120 कैलोरी हो गई है। ये मेरे कहने का मतलब था, तो मैं आप इक्विपमेंट ऊपर नीचे उठवा के मैं भी रख देता हूँ, मेरी पूरी हो जाएंगी। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था जैसे आप बिजी होते हैं शूट्स में और आपको उसमें से चूज करना होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसमें क्या होता है कि आज मार्केट में ना बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं एंड्रॉयड पर, जिससे आप अपनी कैलोरी ट्रैक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, आपको उस टाइम सबवे मिला, आपने सबवे खा लिया, तो आप उसमें डाल दो सबवे 6 inches, तो उसमें कैलोरीज लिखी आ जाएंगी कितनी कैलोरी है। आप होटल में बैठे हो, आपने थोड़े से राइस खाए एक पोर्शन और एक पोर्शन दाल ली और सैलेड खाया, तो उसमें वही डाल दो, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जैसे आपने जो खाया है उसकी कैलोरी पता लग जाएगी। हाँ, तो मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस कैलोरी फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू योर एज हाइट वेट 1800 है, विच मींस 1800 कैलोरी में ना आप मोटे हो गए ना पतले हो गए, वो मेंटेनेंस है। और अगर आप उसे डेली ट्रैक करके 1500 के आसपास रोक लोगे, यू विल एक्सपीरियंस दैट यू हैव लॉस्ट सम वेट आफ्टर यू नो आफ्टर वन मंथ। तो दिस इज द बेस्ट वे टू ट्रैक योर कैलोरी। अभिषेक वैसे आइडियली अगर हम हेल्दी वेट लॉस की बात करें, बिकॉज हम लोग ना हम लोग इतना काम में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, फिर एकदम से कंपटीशन आ जाता है, एकदम से स्टेर अपीयरेंस, मतलब अभिषेक की जो स्टेर अपीयरेंसेज होती हैं और जो मेरी होती हैं उनमें अंतर होता है भाई, मैंने बेयर बॉडी स्टेज पे नहीं चढ़ना है, अभिषेक को पोज देने पड़ते हैं, ये मुझे पता है, बिकॉज ही रियली टेक्स इट वेरी सीरियसली। तो वो ना एक दो महीने का टाइम होता है जिसमें ना आप एड़ी चोटी का जोर लगा देते, बिल्कुल होता है बिल्कुल, पर उसकी टेक्निक पता है, जिसकी मसल मैच्योरिटी होगी, जिसकी मसल मेमोरी होगी, जिसको जिसके अंदर वो डिसिप्लिन होगा, ये कम टाइम में ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन वही ला सकता है जिसने 8-10 साल डेडिकेटेडली पहले तो एक फुल टाइम उसको एफर्ट दी हो। मतलब आज ये दो महीने में अगर आज मुझे कह रहे हैं कि मैं अनफिट हूँ, तो मैं अभिषेक को पहले देख रहा था, मैं कहा अगर ये अनफिट है तो अनफिट आदमी क्या कहेगा खुद को। मतलब यही है ना, आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द आइडियल वेट लॉस, एक महीने के अंदर कितना वेट लॉस आइडियल, मतलब कंफर्टेबली लूज करना मतलब ठीक है, उसके लिए जो मतलब 10 साल में अब जागा है और 6 साल बाद अब जागा है, ऐसा नहीं कि जिसका पहले ही था और अब था। अब मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इस टाइम मैं जो मेरा वेट है वो लाइफ में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, मेरा कभी इतना वेट नहीं हुआ, पर लगता नहीं है, मैं आपको उसका भी रीज़न बताऊंगा। मैं बताऊंगा हाँ। अब जैसे मान लीजिए मेरा वेट इस टाइम 97 kgs है, ठीक है, पहले कभी इतना नहीं हुआ, मैं हमेशा 90-91 मेंटेन करता था। अब अगर मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहूँगा, मेरे लिए 85-87 आइडियल वेट रहता है, जिसमें मेरे मसल्स भी अच्छे लगते हैं, मेरी बॉडी की ब्रॉडनेस भी अच्छी लगती है, फेस भी ठीक रहता है, फैट परसेंटेज भी कम होती है, और मैं पर्सनैलिटी भी ठीक लगती है, टी शर्ट्स में सॉलिड लगता है देखने में। तो अब मान लीजिए मैंने 10 किलो लूज़ करना है, तो 10 किलो लूज़ करना लाइक
अगर मैं 3 किलो एक महीने में लूज़ कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा, मैं हेल्दी भी रहूँगा, इम्यूनिटी भी मेरी अच्छी रहेगी और मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा भूखा भी नहीं रखना पड़ेगा और मैं काम भी अच्छे ढंग से कर पाऊँगा। राइट, अब मेरे लिए 3 किलो है, अब फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, right. उसका वेट, उसकी हाइट है फॉर एग्जाम्पल 5.3-5.4, उसका वेट है 62 kg और उसका एक आइडियल वेट अगर आप मान लीजिए 55-56 करना है जी. तो वो एक महीने में 1 किलो भी लूज कर लेगी, तो वो हर एक के ना बॉडी हाइट वेट के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, जो जितना ओवर वेट होगा उसके लिए वो एवरेज उतनी ज़्यादा आ जाएगी मंथली लूज करने वाली, राइट right. वो इस पे डिपेंड करता है। तो आज जितना वेट ज्यादा होगा उतना वो इनिशियली ज्यादा लूज कर पाए। यस, वो उतना इनिशियली ज्यादा लूज करते हैं। ये भी आप लोग जरूर समझे अभिषेक और मैं, मतलब इस चीज पे सहमति जरूर देंगे अभिषेक, कि इट विल बी इजी कि अगर आपका वेट, अगर आप फीमेल हैं, अगर आपको लगता है कि आपका आइडियल बॉडी वेट 60 होना चाहिए और अभी आपका वेट 90 है, तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा 90 से 80 भी आना, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा 67 से 65 पे आना। बिल्कुल होगा, क्योंकि एट दैट टाइम बॉडी हैज़ गिवन अप, अब वो थोड़ा अपना भी डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करती है कि वाई शुड आई लूज़ मोर। अब इसमें मैं आपको एक और साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, होता क्या है, कई लोग जो कैलोरीज ट्रैक नहीं करते, जो सिर्फ ऐसे चलते हैं कि बस पतले होना है, पतले होना है, पतले होना है, रोटी छोड़ दो, रोटी नहीं खानी, दिन में 4 बार ग्रीन टी पीनी है, सुबह शाम हरी सब्जी खानी है, वो करते क्या हैं, वो पूरे दिन में अगर उनको उनकी मेंटेनेंस कैलोरी 1800 है और अगर वो 1500-1400 कैलोरी भी खाएंगे उनकी बॉडी वेट लॉस करेगी, बट उनको कैलोरीज ट्रैक करनी नहीं आती, तो वो करते क्या है, वो सीधा 600-700 कैलोरी पे आ जाते हैं। तो नो डाउट बॉडी उनका वेट लॉस करती है, बट उसके बाद होता क्या है, बॉडी की एक टेंडेंसी है कि बॉडी अडेप्ट करती है। right. अगर आप उसे बॉडी को 600-700 या 800 कैलोरी पे रहने की आदत डाल दोगे तो बॉडी एक टाइम पे आके कुछ वेट लॉस करने के बाद उस जगह पे आके रुक जाएगी, क्योंकि उसके लिए वो नॉर्मल हो जाएगा, उसको लगता है कि इतना ही मिलेगा तो मैं क्यों लूज करूं। वो मेंटेनेंस कैलोरी, बॉडी की आदत है, वो आप उसको जैसा बनाओगे वो वैसे वहीं ले। तो मतलब बॉडी को भी कैरेट देके रखनी होती है। यस, तो बेस्ट तरीका ये। अच्छा, अब जब आप इतनी कम कैलोरीज लोगे आपको वीकनेस भी आएगी, हर तरह के आप चैलेंज फेस करोगे, हेडेक्स, हेल्थ इश्यूज और काम में बॉडी के हार्मोन। आई विल बी ऑनेस्ट इन शेयरिंग, मैं जब कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाता हूँ, मैंने अमन से भी डिस्कस किया, मैं चिंटू से भी डिस्कस करता हूँ, सारे शो पे हैं हमारे, तो मैं कह सकता हूँ मैंने ना हेडेक्स फेस किए हैं। आई ऑलवेज फेल्ट कि मेरा सर ना भारी चल रहा है, मुझे को ड्राउजी फील हो रहा है, चिड़चिड़ा फील हो रहा है, वो होता है। तो मैं उसका बेस्ट तरीका बताता हूँ, जैसे अगर आपको वेट लॉस करना है, 1800 कैलोरी आपकी मेंटेनेंस है, आप 1500 से शुरू करिए। कई बार तो आप 1800 से शुरू करो, आप 1800 ही खाओ। कई बार अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप 1800 ले रहे हो ना, तो भी 2 किलो बॉडी लूज कर जाती है मेंटेनेंस पे भी, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाता है। अब आपका 1800 कैलोरीज पे वेट लॉस हुआ, अब आप 15 दिन बाद उसे कर दीजिए 1600, फिर आप देखेंगे आपका थोड़ा वेट लॉस हुआ, 15 दिन बाद कर दीजिए 1400, फिर थोड़ा वेट लॉस हुआ, फिर आप उसे ले जाइए 1200। अब आप देखिए आपका जो टारगेट था, फॉर एग्जांपल जैसा आपने बोला टारगेट था 65, राइट, और बॉडी 67 पे आके रुक गई। आपने उसे 1000 करा तब भी 67 है, विच मींस वो अपने आप को मेंटेनेंस कैलोरी पे रोक रही है। अब आप कैलोरी कम भी करोगे आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, हेडेक्स होंगे, बॉडी आपको वेट लॉस नहीं देगी, क्योंकि अगर ऐसे करते रहे तो आप तो 30 किलो की भी रह जाओगे एक दिन, हड्डियां दिखेंगी, समझ गए। तो करना क्या होता है उस टाइम पे, आप मान लीजिए 1200 कैलोरी पे आपकी बॉडी फर्दर वेट लॉस नहीं दे रही और आप इससे कम करोगे तो आप रह नहीं पाओगे, आप फिर से 1400 कर दो कैलोरी और देखो 1400 कैलोरी पे वेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। आपने 1400 करा, आप देख रहे हो 1400 कर रहे हो, आपके एनर्जी लेवल बढ़ गए, वेट तो उतना ही है, फैट परसेंटेज भी उतनी है, फिर आप उसे कर दो 1600 वर्कआउट के साथ। अब ये रिवर्स मैकेनिज्म काम करता है, फिर आप 1600 कैलोरीज पे करके आप देख रहे हो कि यार अभी भी मेरी बॉडी का वेट तो बढ़ नहीं रहा, मैंने तो डाइट अपनी बढ़ा दी और 1600 कैलोरी पे एनर्जी और बढ़ गई, वर्कआउट भी अच्छा हो रहा है और सब कुछ बढ़िया जा रहा है, फिर आप 200 कैलोरी कम करोगे फिर वो अपने टारगेट पे आ जाएगी। राइट, तो थोड़ा सा आपको रिवर्स मैकेनिज्म क्रिएट करना पड़ता है बॉडी को एक तरीके से, उसको जैसे अभिषेक ने बोला और मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूँगा, हम बॉडी को शॉक देना कहते हैं, आपकी कैलोरीज आप एक लेवल पे चले गए फिर आपने वापस बढ़ाई, तो बढ़ाने से आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि कैलोरीज अगर कम है तो बॉडी में एनर्जी भी लिमिटेड है, तो हमारा आउटपुट भी बहुत लिमिटेड है। आप लोगों को इतने फिटनेस प्लान्स देते हो, इतना कुछ देते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभिषेक जब जिम एंटर करता है तो अभिषेक की क्या रूटीन होती है? मेरी तो आप वर्कआउट की रूटीन छोड़ो कि मैं किस दिन क्या लगाता हूँ, व्हेन यू एंटर द जिम व्हाट डू यू डू, क्या आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है, एंड व्हेन यू गो मूव आउट तो क्या होनी चाहिए?
मेरा स्टेट ऑफ माइंड एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन बहुत अलग रहता है. रीज़न उसका ये है क्योंकि मेरे सारे खुद के जिम्स हैं जहाँ मैं जाता हूँ, और जब भी मैं जिम में जाता हूँ तो सबसे पहले स्टाफ से मिलता हूँ. स्टाफ की कोई ना कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, कोऑर्डिनेशन इश्यूज़, ये वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा. फिर क्लाइंट से इंटरेक्शन होती है. जब एक जिम में 100-200 लोग आ रहे हैं, 400 लोग आ रहे हैं, तो सबसे मिलते भी रहते हो. ब्रेक डाउन भी होंगी मशीनें, कुछ की कुछ तारीफ़ करेंगे, कुछ कंप्लेंट्स करेंगे, आज एसी नहीं चल रहा, आज ये नहीं चल रहा. क्योंकि जब आप इतने सारे लोग एक जगह पे अकोमोडेट करते हो ना, तो सब लोग खुश नहीं रह पाते. चीज़ें टूटती भी हैं, हर तरह की चीज़ होती हैं. और कई बार मैं अपना वर्कआउट कर रहा होता हूँ, क्लाइंट बीच में आते हैं, सर आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है. मैं कहता हूँ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, अगर आधे घंटे तक कर लेंगे हमें जाना है. तो कई बार मेरा वर्कआउट ही बीच में रुक जाता है. तो बड़ा इस टाइम मेरे लिए वर्कआउट करना एक अपने जिम में बहुत बड़ा चैलेंज है. वेलकम टू द क्लब अभिषेक, वेलकम टू द क्लब. मैं जिम चढ़ता हूँ और मैं फिर पास फ़ोन होता है, सर बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फिल्म की कॉपी हो गई सर, उतरवानी पड़ेगी सर. मैं मतलब अभिषेक चढ़ता हूँ, पर अमन मेरे को कहता है कि सर व्हाट यू नीड इज़ प्लान. यू डोंट हैव अ प्लान व्हेन यू आर अप इन द जिम. यू कम टू द जिम बट वंस यू आर देयर यू डोंट हैव अ प्लान. तो हाँ, मैं ज़्यादा अपना फ़ोन साइड में रख के कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट एक घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे या मेरे से कोई जिम में बात ना करे. मैं अपने जिम में एक घंटा क्वालिटी वर्कआउट कर पाऊँ. और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि या तो आपको सुबह 6-8 टाइम मिलता है जिम में, उस टाइम बहुत भीड़ होती है, और शाम को या तो 6-8 ऑफिस के बाद टाइम मिलता है, उस टाइम बहुत भीड़ होती है. तो मैं अवॉइड करता हूँ, या तो मैं रात को 9-10 वर्कआउट करता हूँ कि जब जिम के पीक आवर्स ख़त्म हो जाए मैं तब वर्कआउट कर पाऊँ, या सुबह 9-10 करता हूँ. वैसे बिलीव मी, आप अल्टीमेट जिम जाओ, रात 9-10 इज़ अ वेरी बैड टाइम, भरा पड़ा होता है, इसको पता नहीं कहाँ जगह मिल जाती है, मैं बता रहा हूँ ऑन कैमरा. और सुबह 9-10 भी मैं जाता हूँ तो भरा पड़ा होता है, मतलब खैर लोग आई थिंक अब वर्क फ्रॉम थोड़े से कम होते हैं वर्क फ्रॉम होम. आई मीन सुबह 9-10 का टाइम इज फार बेटर देन रात का 9-10 का टाइम. दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट, टेक इट ऑन द कैमरा. नहीं नहीं, आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. रात को 9-10 भाई जहाँ मैं जा, तो मैं ना बॉस 11 बजे जाता हूँ. मैं जाता हूँ 11 बजे जब सब लोग काम करने वाले जा चुके होते हैं, सब ऑफिस के अपने काम. आई गो अराउंड दैट. सुबह 9-10 अगर मैं जाता हूँ तो मेरे फिर ऑफिस आवर्स लेट हो जाते हैं मेरे, क्योंकि अगर मैं 9 बजे जा रहा हूँ तो मान के चलिए 10:30 वर्कआउट खत्म करूंगा, फिर मैं घर जाऊंगा, रेडी होऊंगा तो 12 बजे ऑफिस आऊंगा. तो 12 बजे अगर मैं ऑफिस आ रहा हूँ, हाफ ऑफ द माई वर्किंग इज ऑलरेडी लॉस्ट, क्योंकि इंपॉर्टेंट मीटिंग सुबह 10 से 12 कोई ना कोई होती है डेली. तो फिर रात को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं. तो आर यू एन अर्ली राइजर और नॉक्टर्नल, कि रात को आप ज़्यादा एक्टिवेट होते हो या दिन में? मेरे लिए दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं, बस मैं सुकून में हूँ, बस वो चीज़ मेरे लिए मैटर करती है. और वर्कआउट हो जाए ये चीज़ मेरे लिए मैटर करती है. मॉर्निंग में मैं ग्राउंड में वर्कआउट करना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारी अल्टीमेट फिटनेस की कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम है. तो मैं सुबह कोशिश करता हूँ कि मैं ग्राउंड में जाके अपना वर्कआउट करूँ, ग्राउंड के 4-5 राउंड्स लगाने, स्प्रिंट्स करनी, फिर थोड़ा बहुत फील्डिंग प्रैक्टिस, बैटिंग प्रैक्टिस करनी, उससे भी एक वर्कआउट हो ही जाता है, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है. तो मॉर्निंग मेरे लिए वो बेटर है, क्योंकि सुबह फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, ओपन एयर, पॉल्यूशन कम होता है. और रात को अगर आप जिम चले जाते हो तो जो आपके घर में कोई गेस्ट आने हैं या दोस्त दारू वारू के लिए बुला रहे हैं तो वो अवॉइड हो जाते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, बेस्ट है. तो आपके दोस्त रिस्पेक्ट करते हैं कि मैं कि यार अभिषेक हूँ तो पहले आंदा सीगा, हूँ तो नहीं आंदा साढ़े को, मतलब वो समझते हैं? डू दे अंडरस्टैंड यू? यस यस, आई हैव अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स आर वेरी दे हैव अ वी हैव अ वेरी म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. और बहुत अच्छे हैं सारे, और हम आपस में बहुत सलाह एक दूसरे से शेयर करते हैं. एंड यू नो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, फॉर्चुनेटली या तो वो मेरे पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स, या वो हमारी टीम के मेंबर हैं अल्टीमेट फिटनेस की, जो हमारी टीम है, एम्प्लॉयज़ हैं. तो इट्स अ वेरी इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, यू नो, कि एक तो जो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऑल्सो वुमेन इज़ नोन बाय द कंपनी शी कीप्स, बोथ वेज. अभिषेक ये बहुत अच्छी बात बताई कि आपके फ्रेंड्स हैं जो हु अंडरस्टैंड यू सो वेल एंड दे हैव जॉइंड हिम इन वर्क ऑल्सो एंड दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर. तो आई थिंक कोई भी दिन काम फील ही नहीं होता होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं फील होता. सुबह उठ के फील होता है यार काम पे चल रहे हैं आज? नेवर. मेरे लिए तो संडे बहुत बोरिंग निकलता है, जिस दिन संडे को मैच ना हो. अगर या तो मैं फैमिली के साथ आउटिंग पे जा रहा हूँ, कहीं घूमने जा रहा हूँ, या मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, हिल स्टेशन पे हूँ, देन इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. बट अदरवाइज अगर मैं घर पे हूँ और मुझे घर पे सिर्फ संडे मनाना है,
तो वो मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है कि घर पे संडे बनाना है रेस्ट करके, वो होता नहीं है एक्चुअल में। तो मैं संडे को भी ऑफिस आ जाता हूँ, या तो मैं अपने कोई पेंडिंग काम कर लेता हूँ, या जो भी जो वैसे पूरे वीक में टाइम नहीं मिल पाता। ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं, आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्रैक करने होते हैं, इनसाइट्स देखने होते हैं, या प्लानिंग्स करनी होती है। कितने काम बढ़ गए हैं अब ऑफिस में आके आप प्लान कर लेते हो, या ऑफिस में आके अकाउंट्स नहीं, पूरे दिन वर्किंग इतनी होती है आप अकाउंट्स नहीं चेक कर पाते कि किस जगह का क्या हिसाब चल रहा है कैसे है, तो वो काम सारे संडे हो जाते हैं फिर ऑफिस में आके। बट वैसे नहीं, खाली नहीं बैठा जाता, विच मीन्स कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ इट्स मोर आउट ऑफ कम्स आउट ऑफ मी, इट्स पैशन बेसिकली। रिफ्लेक्शन भी आ रहा है, ये चाय भी आ गई है और ये मेरी वाली पक्की ब्लैक कॉफ़ी। हाउ इज इट? हाँ ठीक है, करते हैं सर। आपकी चाय ठीक है, पीते रहेंगे, आप भी पीते रहेंगे। और ये तूने स्टोरी बना दी हो सर। सबसे पहले अल्टीमेट फिटनेस के साथ सब शुरुआत से यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फीचर हो गए हैं, ये साइलेंट फीचर है, अल्टीमेट फिटनेस साइलेंट फीचर है। छुट्टियों से याद है, अभिषेक ने छुट्टियों का जिक्र किया है। अभिषेक अभी यू रिसेंटली बीन ऑन अ वेकेशन? यस। मैं वेकेशन की, अभिषेक ने मेरे को अभी, मैं आया तो मुझे फोटोज वगैरह दिखा रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, व्हेन यू गो ऑन अ वेकेशन देन हाउ डू यू मेंटेन योर फूड एंड एवरीथिंग, या वो आपने डिसाइड करके आता कि बस ये हफ्ता मुझे माफ़ी आके मैं देख लूँगा? Honestly speaking, I am very foodie. और I am no more a trainer. I am no more an athlete. I am just a businessman. और businessman का काम ये होता है कि mentally, physically अपने आप को maintain करना. और वो मैं किसी ना किसी हद तक अभी तक कर रहा हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक एपिसोड आएगा ना और आप किसी कॉम्पिटिशन में आपको अभिषेक कभी मिलेंगे ना, ये अभी बोल रहे हैं मेरे को कि आई एम नो लॉन्गर ट्रेनर, आई एम नो लॉन्गर एथलीट, बट जब आएगा ना कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, आप अभिषेक को देखना, आप अभिषेक को ही देखना कि बिल्कुल ना, मतलब जिम में पोस्टर लगे होते हैं, अभिषेक खड़ा होता है बिल्कुल बड़े। वो पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। नहीं नहीं यार, मेरे को तो इट फील्स लाइक गली लगा था पोस्टर जिम में। नहीं, वो जब अब अल्टीमेट फिटनेस का कोई भी इवेंट आता है ना, उस टाइम मोटिवेशन लेवल अलग ही हो जाता है। तो नो डाउट उस टाइम मेहनत करते हैं, एनिवर्सरी फंक्शन आता है अल्टीमेट फिटनेस का, और वो एक अच्छा है क्योंकि साल में आपको एक बार अपनी फिटनेस के पीक लेवल पे जाना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि उससे आप डिसिप्लिन सीखते हो, आप सीखते हो कि डाइट कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ जो आजकल का ट्रेंड है, जो पार्टीज़ हम कर रहे हैं, या जिस माहौल में हम रह रहे हैं, तो उस माहौल में हम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो पाते अपने लिए। जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है, वो आपको डिसिप्लिन होना सिखाता है और उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आता है और वो बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार हर पर्सन को 2 महीने के लिए अपने बॉडी के पीक लेवल को अचीव करना चाहिए विद ग्रेट अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, बहुत ज़रूरी है ये। आइडियल टाइम क्या रहता है किसी, वो हर आदमी को अपना टाइम खुद फिगर आउट करना है, या आपको क्या लगता है कि इसमें वेदर या कोई भी चीज़ सपोर्ट करती है थोड़ा इमोशनली? आइडियल टाइम यही रहता है, जैसे फॉर्चुनेटली हमारी अल्टीमेट फिटनेस की जो एनिवर्सरी फंक्शन है वो मार्च में आता है, राइट, और मेरे हिसाब से आइडियल टाइम भी वही है। तो सारे अल्टीमेट फिटनेस वाले जनवरी से शुरू हो जाते हैं, 2 महीने पूरा ट्रेन करते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि विंटर्स में हम कपड़े बहुत सारे पहनते हैं तो फैट तो छुपता ही है सबका, विंटर्स में शादियां बहुत होती हैं तो खाना भी सब लोग बहुत खाते हैं, विंटर्स में मीठा खाने का बहुत दिल करता है ना, हलवे वगैरह बहुत कुछ बनते हैं हमारे यहाँ, तो गजरेला हो गया है ना तो नो डाउट कैलोरीज तो जुड़ती हैं विंटर्स में, फिर ड्रिंक्स भी ज़्यादा चलती हैं, ठंड होती है तो सबको बहाना मिल जाता है कि चलो आज ठंड बहुत ज़्यादा है बना लो, है ना, पैक बना लो, है ना, यही चलता है। तो डेफिनेटली सब लोग मेजोरिटी गेन करते हैं, right. तो मार्च आते आते समर्स आने वाली होती हैं, स्वेटर्स उतरने शुरू हो जाते हैं और वेदर बहुत अच्छा होता है, सपोर्टिव होता है, right. अच्छी डाइट लेने के लिए और अच्छा वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि आजकल जो वेदर है अगस्त जुलाई ये तो बहुत हॉट एंड ह्यूमिड वेदर है, आपको पता है इस टाइम वर्कआउट भी करना चैलेंज है, बॉडी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है, एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम, जो विंटर्स जब जा रही होती हैं, और बहुत लोग 1 जनवरी से अपना वो बनाते हैं ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो जनवरी से आप शुरू करो, मार्च तक पूरा हो जाएगा रेजोल्यूशन। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात अभिषेक लेके आए, मैं ये भी हाईलाइट करूँगा कि लाइफ को ना एक बैलेंस में जीना है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आर एफ ई अनप्लग्ड, कि हम अनप्लग्ड वे में खुल के ये बात कर सकें कि हमने लाइफ का हर एस्पेक्ट इन्जॉय करना है, चाहे वो खाना हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे कुछ हो, लेकिन जब आपके पास वो फोकस है एंड यू हैव द राइट टीम टू गाइड यू, तो यू कैन अचीव योर गोल्स।
बिल्कुल बहुत अच्छे से, एंड कोई भी आदत बुरी नहीं है. इफ़ यू ड्रिंक, इफ़ यू ड्रिंकिंग इन मॉडरेशन, लिमिटेशन यू आर ईटिंग, वट एवर खाना पीना, बट इफ़ यू नो योर गोल वेर यू आर गोइंग, ये नहीं कि बस दैट यू लूज़ योर बॉडी, फिर एक दिन आपको 4-5 साल बाद डॉक्टर बता देंगे कि जी अब आपको जी कसरत करने की बहुत ज़रूरत है. उस सिचुएशन पर कभी मत जाएँ, उस सिचुएशन से पहले ही आएँ. एंड जिम इज़ नॉट अ प्लेस, मैं कहूँगा कि वेयर यू कम टू मेक huge amount of muscles. No, gym is a place where you get that right kind of environment for any of your goals, whether you want to add strength to your body, whether you want to add good muscularity to your body. Aap youngsters hain, aapko beach ya photo shoot ke liye body banani, jo bhi aapke us time ke short term ya long term goals hain, वो आपको अचीव करने में, और बेसिकली एक हेल्दी लाइफस्टाइल. क्योंकि मैं अल्टीमेट जिम्स, मैं खुद 2014 से जा रहा हूँ, अब कितने साल, 7-8 साल हो गए जितने भी टाइम हुए. yes. है ना, तो आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड, कि आप मेंटली कितने ट्रेंड हैं कि आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं. और इसलिए यू डोंट लूज़ ग्रिप ऑन योर हेल्थ. बुखार होता है साल में 1-2 दिन, होता ही, इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं कि कमज़ोर लग रहे हैं, टट पड़ गए हैं, गिर गए हैं, लुढ़क गए हैं, ताकत हो नीचे बॉडी में टू फेस एवरी सर्कमस्टेंसेस. राइट. और अभिषेक, हाउ आर यू मैनेजिंग योर फैमिली टाइम एंड ऑल दैट, कि यू आर सो मच एंग्रॉस इन टू वर्क, इतना तुमने जिम खोल दिए हैं, हाउ डू यू गिव टाइम टू योर फैमिली, ये भी मैं जानना चाहता हूँ. ऑफकोर्स फैमिली को टाइम देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सब कुछ कर किसके लिए रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं ना, और फैमिली को ही नहीं खुश रखेंगे तो इसका फ़ायदा भी नहीं है. तो फैमिली की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, नो डाउट, और उनको टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है. क्योंकि मेरे संडेज़ भी बहुत ऑक्यूपाइड होते हैं, क्योंकि संडे में हमारे मैचेस होते हैं, मंडे टू सैटरडे वर्क होता है. तो फैमिली को नो डाउट, जब भी मैं घर होता हूँ तो कोशिश करता हूँ बच्चों के साथ खेलूँ, टाइम दूँ, और वाइफ को फुल अथॉरिटी दी हुई है कि जब भी कहीं घूमने फिरने का दिल है, मेरे को बिना बोले बस टिकट बुक करा देनी है, आपने कहीं भी वेकेशन पे जाना है, प्लान करना है. मैं क्या, अगर मेरे से बना के पूछते रहोगे तो बनेगा नहीं, वो दिन आएगा ही नहीं. मैंने कहा घूमने का डिपार्टमेंट आपका है, काम करने का डिपार्टमेंट मेरा. तो जब भी आपका दिल करे, तो ऐसा होता है मोस्टली उसका, जैसे 2-3 महीने हो गए कि कहीं घुमा लाओ, मैं कहता हूँ कहाँ घूमना है, तो म्यूचुअल डिस्कशन सा होता है. जैसे इस बार बना कश्मीर चलते हैं, कहती चलो चलते हैं, टिकट बुक करा लो, मैं क्या करा लो. तो बस एक डेट पूछते हैं, उस दिन फ्री है, मैं करा लो, हाँ बस करा लो, बस वो ऐसे ही प्रोग्राम बन जाता है. चलो मैं अब आपसे ना कुछ सवाल पूछूंगा और आपने रेटिंग देनी है उसमें 10 में से. ओके okay. ठीक है, और कोई मिड वे नहीं है, 0 to 10 जो आपको लगता है कि वो बार आपको सूट करता है. अभिषेक एज अ बिजनेस पार्टनर, 0 to 10 कैसे है? अभिषेक एज अ बिजनेस पार्टनर, हाँ, मतलब कि ये सवाल समझ नहीं आया कि हाँ. मेरे साथ कोई पार्टनरशिप कर रहा है? कर रहा है, तो कैसा है? 10 खुद के लिए. 10 10 है, हाँ बिल्कुल. देखो अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. अभिषेक एज अ फादर, 10 है, बिल्कुल 10 है. 10 है. अभिषेक एज अ ट्रेनर, अब कह लीजिए आप 6 हो गया, हाँ. पहले 10 था. हाँ, पर मैं बता दूं कि अभिषेक ने बहुत ट्रेनर्स ट्रेन कर दिए हैं जो अब 6 से ऊपर जा चुके हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अभिषेक, अभिषेक एज अ फ्रेंड, अभिषेक एज अ फ्रेंड, ये तो फ्रेंड ज्यादा अच्छे बता पाएंगे नहीं, बट चलो आप अपने दोस्तों के लिए कैसे हो? मैं तो 10 ही हूँ. वो इशारे आ रहे हैं सर के, वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे. अभिषेक एज अ सन, ये तो यार पेरेंट्स ज्यादा अच्छा. नहीं नहीं, अपना अपना पक्ष बताना ना, यू हैव टू गिव योर. बिल्कुल 10 ही हूँ मैं तो, मुझे तो 10 ही है हर चीज़ की. अभिषेक एज एज अ बॉस, अभिषेक एज अ बॉस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ एंड ऑल द टीम ऑफ अल्टीमेट फिटनेस, 8 यू स्टिल फील दैट यू हैव टू? आपकी जब इतनी बड़ी टीम है, तो जब पार्टनर्स हैं, टीम है, तो सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना, और उस टीम को साथ लेके चलना पड़ता है. तो जब आप साथ लेके चलते हो, कई लोग नाराज होते हैं, कई लोग खुश रहते हैं, और कई लोग बीच में छोड़ भी जाते हैं. तो जो छोड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने 2 मार्क्स अपने काट लिए कि कहीं ना कहीं अगर मेरी स्किल्स और ज़्यादा अच्छी होंगी तो वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे. टीम और मजबूत होगी. तो कभी आपको उनके छोड़ के जाने का, मतलब लंबे अरसे तक गम हुआ कि हाँ कि कुछ लोग थे अच्छे जो मुझे छोड़ गए, या मेरे में कुछ चीज़ रह गई होगी, कभी लगा कि कोई आपको कभी लगा कि कोई आपकी वजह से छोड़ के गया? डिफरेंसेस बिजनेस में या समटाइम्स आइडियोलॉजी में? देखो मैं कहूँगा कि हमारे भी कोई पुराने दोस्तों में, या मुझे कभी फील, मुझे भी हुआ, पर आपको हुआ कि आपकी वजह से गए हों? नो, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि मेरी वजह से गए हैं. कई बार सिचुएशंस और हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं
उसमें किसी का कोई पिन पॉइंट, कोई आप कह लीजिए कि कसूर नहीं होता। हालात अपने आप ऐसे बन जाते हैं, कई बार लोग ऐसी ऐसी नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में भर देते हैं, क्योंकि कोई बंदा जब सक्सेस हो रहा है तो आपके फ्रेंड्स भी बनते हैं और दुश्मन भी बनते हैं, वेल विशर्स भी होते हैं और बैड विशर्स भी होते हैं, है ना, जेलसी फैक्टर्स भी आते हैं। अब जो बंदा पॉजिटिव है, मेंटली स्ट्रांग है, वो फोकस्ड रहता है, और जो बंदा नहीं है, जिसका फोकस क्लियर नहीं है, वो किसी की बातों में आके भी डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरे डायरेक्शन में चल देता है। जब वो दूसरे डायरेक्शन में चल देता है, इट मीन्स वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया या आपके विजन से साइड चला गया। जब वो साइड चला गया तो इट मीन्स आपके मार्क्स कट गए, 10 में से 8 रह गए। तो दुख तो होगा ना, आप किसी के साथ मेहनत करते हो और उसके साथ 1-2 साल बिताते हो, 3 साल बिताते हो, और उस चीज़ को आप करते हो कि मैं अब इस चीज़ को डबल करूंगा, इसके साथ ट्रिपल करूंगा, 4 गुना करूंगा, आप 2-3 साल एक ग्रुप हो गया साथ रह के, और इवेंचुअली उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है कुछ ना कुछ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हर्ट तो करती है, सभी को करती है, बिल्कुल करती है। अभिषेक एज अ हस्बैंड, अब ये नहीं पूछना कि मेरी वाइफ से पूछना, ये एज अ हस्बैंड पूछ रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा है इसमें? 8 कह लो, इसमें भी 8। हाँ, क्योंकि आप कभी भी जो वाइफ्स होती हैं, हस्बैंड वाइफ्स थोड़ा इमोशनली ज़्यादा टाइम मांगती हैं और है ना, और आजकल जो बिजनेस है, प्रायोरिटीज़ हमें कभी कभी चूज़ करनी पड़ती है, कभी कभी फैमिली उसमें अवॉइड भी हो जाती है, और कोई भी हस्बैंड 100% परफेक्ट नहीं होता, ना कोई वाइफ 100% परफेक्ट होती है। हम एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी पूरी करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें से मैं कहूँगा 8 बार 10 में से हो जाती है पूरी, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। अगर अभिषेक के पास जिम में एंटर कर, अभी बस 10 बजे जिम बंद हो जाता है ना अपना, अगर अभिषेक 9:55 में जिम में घुसेंगे और अभी कोई फोन नहीं बजना है, अभी कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा, अभी कोई आपका टीम मेंबर कोई प्रॉब्लम लेके नहीं खड़ा होगा, 5 मिनट हैं, तो वो कौन सी एक्सरसाइज करोगे आप? अब वो दिन बार छोड़ दो, आप गए 2 महीने बाद हो, शुरू ही करना है, वो 5 मिनट में आप क्या करोगे? अगर 5 मिनट है तो बस 5 ही मिनट करने हैं ना, मैं पुशअप्स मारूंगा। हाँ, सो दैट इज हिज बेसिकली हिज, ये कोर एक पावर एक्सरसाइज है हमारी, क्योंकि मेरे को पुशअप्स में करके बहुत ज़्यादा फील अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ना आपके सारे मसल्स एंगेज हो जाते हैं, और एक तो वो बॉडी वेट एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरा ये मानना है आपकी बॉडी का जो वेट है, अगर आपकी बॉडी उसको उठा पाए, चाहे वो ज़्यादा है चाहे कम है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है ना। तो मुझे पुशअप्स मारने बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें चेस्ट, शोल्डर, आपकी बैक, आर्म, सभी का ही जोर लग जाता है, और वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो जिम ना भी हो तो भी हो जाएगी। इन सब सिटीज़ में से अगर एक सिटी को चूज़ करना हो आपने, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सहारनपुर, पंचकुला, डकौली, मोहाली और चंडीगढ़, इनमें से कौन सी आपकी ऑलवेज गो टू प्लेस होगी? मोहाली। मोहाली, बिल्कुल ठीक है, तो मतलब मैं मान के चलूंगा अगला जिम भी मोहाली में खोल रहा हूं। नहीं, मोहाली तो कवर अप कर लिया, 4 तो खोल दिए यहाँ पे, अब जगह ही नहीं बची मोहाली में। अब तो जो नए नए एरियाज डेवलप होंगे, जहाँ पॉपुलेशन आने वाली होगी, ये स्ट्रेटेजी ना बादशाहों वाली होती है। भाई ये एरिया तो अब रहा ही नहीं हमारे पास, अब अगली डेस्टिनेशन हम कौन सी देख रहे हैं? पंचकुला। चलो, पंचकुला ब्रांच आने वाली है, सहारनपुर में एक नई ब्रांच है और काफी प्रीमियम ब्रांच आ रही है, और अगले 1 साल में अल्टीमेट फिटनेस की 10 ब्रांचेस खुलने वाली हैं 1 साल के अंदर। अब इस पूरे रीजन में? ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, तो अब दूसरी टेरिटरी, अभी 10 हो गई हैं और 11th आ रही है सहारनपुर में, और 12वीं हो सकता है पंचकुला हो, और यू कैन से बाय द एंड ऑफ 2023 वील हैव ऑल इन ऑल 20 ब्रांचेस। तो ये एक्सपेंशन कौन प्लान करता है कि अगला किला कहाँ का फतेह करना है हमने, ये कौन प्लान करता है? ये हमारी वर्किंग पार्टनर्स की टीम है जी, और कुछ हमारे फिजिबिलिटी आप चेक करते हैं, मार्केट स्टडी करते हैं, सब चीज़ें देखते हैं। बिल्कुल, हमारी मंथली बेसिस पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होती हैं सारे पार्टनर्स, और ओवर फूड नहीं, फूड इतना नहीं होता उसमें, चाय होती है सिर्फ। हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है अलग से, तो वहाँ बैठ के हम सब कुछ डिस्कशंस करते हैं कि कहाँ कैसे हमें आगे इस चीज़ को बढ़ाना है। हाँ जी, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई कैन से वी हैव द बेस्ट टीम आई थिंक इन होल इंडिया, जितनी भी मैं एब्सोल्युटली, अगर आप कहें कि मैंने अभिषेक की जर्नी देखी है और पिछले 8 सालों में, अगर अभिषेक 8 सालों के अंदर, मतलब आप वो एक स्पीड कह सकते हैं कि मोर देन ऑलमोस्ट 2 जिम्स अ ईयर की स्पीड पे अभिषेक जा रहे हैं, 8 साल में आपके 10वां 11वां जिम हो गए हैं। हाँ, 10 तो हो गए हैं, तो मोर देन 1 जिम अ ईयर की स्पीड से तो ज़्यादा ही हैं। तो अगर 2023 तक ये 10 सालों में, अगर ये 20 जिम की बात कर रहे हैं, तो एवरेज विल फॉल एट
टू जिम्स अ ईयर? नहीं नहीं, मैं अगले एक साल में 10 जिम और कह रहा हूँ। हाँ तो टोटल अगर फिर मैं पिछले 10 साल से टाइम पीरियड काउंट करूंगा तो एवरेज जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि एवरेज तो टोटल बाय डिवीजन ही है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है ना। अभी इट्स मोर देन 1 जिम अ ईयर एंड देन इट विल बिकम ऑलमोस्ट 2 जिम्स अ ईयर एंड हाँ ये देखो सर इतना ही है, दिमाग इतना ही होता है, शरीर भी इतना ही होता है, पर ये इसकी जो स्पीड होती है ना और जो इसकी जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं ये अच्छी हैं। तो अब तुम्हारा सारा जोर मसल से यहाँ चला गया। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो आप कुछ ऐसा फूड खाते हो जो विच इज मोर सेटिस्फाइंग टू द ब्रेन? नहीं देख लो उसका नतीजा 97 kg हो गया वेट। मैं बाइकॉट लिख के ले लो मेरे से जहाँ मर्जी, ये अभी कंपटीशन होगा ना, ये ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला और अभी भी कुछ नहीं लग रहा ऐसा, ये खुद ही उसके मेंटल ब्लॉक है अभिषेक का कि मैं मोटा हो गया हूँ, इतने हमें देखा का है अभी। अब पहले आप ये बताओ आज आप ट्रैक सूट में क्यों आए हो? इसकी स्टोरी है, मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी ये है कि पिछला जब एपिसोड हमने जिम में किया था ना तब मैं फॉर्मल्स में था और अमन कोर्स में था और मुझे लगा कि अब मैं जब अभिषेक के साथ एपिसोड करने जाऊँगा तो मैं अटायर में होना चाहिए जिसमें मैं जिम जाता हूँ। अब अभिषेक के साथ एपिसोड ऑफिस में हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि मैं आज फिर आउट ऑफ प्लेस हूँ, मतलब आउटसाइड दिस ऑफिस वी हैव द होल सेटअप बट अभी मैं गलत जगह पे बैठा हूँ, बट मैंने अपना कंपनसेट कर लिया है। तो आई होप मेरी टीम ये मिरेकल नहीं कर पाएगी कि यहाँ से उठा के वहाँ डाले और मुझे यहाँ करे, क्योंकि बातें ही कुछ और हुई हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बट एनी हाउ यू लुकिंग परफेक्टली एब्सोल्युटली। मैं एक्चुअली ढक के रखा है मैंने खुद को, फिटनेस एंथुसियास्ट लग रहा हूँ मैं। गुड, थैंक गॉड अभिषेक ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं फिट लग रहा हूँ, क्योंकि मैं फिटनेस एंथुसियास्ट जरूर रख रहा हूँ। तो अभिषेक, आपने जो इतना अच्छा काम किया है इन द रीजन, इन द ट्राई सिटी रीजन, इन एंड आई वुड ऑल्सो काउंट सहारनपुर बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड, जहाँ पे जिम कल्चर इतना बूम हुआ है और फिर आप इधर आए, आपने पूरे ट्राई सिटी में इतने जिम्स खोले, इतने लोगों को फिटनेस के लिए अवेयर किया, इतने सारे ट्रेनर्स को बिल्ड किया, यू हैव स्टार्टेड विद होम जिमिंग सर्विसेज, नाउ विद ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर यू नो फिटनेस बॉडी बिल्डिंग एंड सेटिंग अप न्यू जिम्स, बिकॉज एज अभिषेक सेड कि आई थिंक इसका कोई भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं था कि किसी को अपना जिम खोलना हो तो वो एक शोरूम ले लेता था और बस वहाँ सामान डाल देता था और फिर एक्सपेरिमेंटल गले पे बैठ जाता था और फिर वो कोच ही मालिक ही अनफिट लगता था। तो आपने वो पूरा ही एक गेम ही चेंज कर दिया आके, इसके लिए वी हैव वेरी गुड हैम्पर्स फॉर यू फ्रॉम आर पार्टनर्स एंड द फर्स्ट वन इज फ्रॉम एरोमा मस्क, ठीक है, फॉर अभिषेक एंड अल्टीमेट जिम्स एंड अल्टीमेट ग्रुप, अपना मैं ग्रुप ही बोलूंगा, ये नाम जो मर्जी कराए मेरे लिए यही है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज फ्रॉम एलिस्टोस, दिस इज फॉर यू अभिषेक। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस है ना, आप ये सब कुछ लेके आए हो। अरे हमारे पार्टनर्स के लिए स्माइली कर दो। थैंक यू सो मच टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ आरएफई ग्रुप, थैंक यू सो मच, इट्स वेरी नाइस टू सी दिस प्रेजेंस एंड और इसमें I will see। हाँ, ये गुडीज खोलेंगे जाके भी। हाँ, बिल्कुल। And gift जो भी हो, जब भी मिले, हमेशा खुशी मिलती है ना, हमेशा खुशी मिलती है। Thank you so much। And it was, I was not expecting this। It's a beautiful surprise। अभिषेक, इतने लोग आपके पास जिम में आते हैं, यंगस्टर्स हैं। I mean like, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि over the time मुझे लगता था कि लड़कों में, मैं बंदे वर्ड बोलूँगा, बंदे लड़कों में तो हमेशा से एक क्रेज था ही जिम आने का, एक विमेन को फेमिनिन क्रेज, क्या वो या अवेयरनेस में बोलूँगा, क्या वो ज़्यादा ग्रो की है ओवर द इयर्स? बिल्कुल करी है, बिल्कुल करी है, बहुत ज़्यादा करी है। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी सारी यू नो फीमेल्स आती हैं जिनका जिम खोलने का प्लान है। अरे वाह। एंड फ्यू ऑफ देम आर डूइंग कोर्स ऑल्सो। अरे वाह। हाँ, तो बिल्कुल आप कह सकते हो ट्रेंड पूरा 360 डिग्री चेंज हो रहा है आने वाले टाइम का। तो आपको, आप उनको क्या थोड़ी बहुत यू गिव देम फाइनेंशियल असिस्टेंस आल्सो, मतलब या डू यू असिस्ट देम ऑन देयर फाइनेंसेस फॉर रनिंग द जिम आल्सो? वी आर असिस्टिंग देम इन ईच एंड एवरी वे। हाँ, हम उनको सब कुछ बता रहे हैं उनकी फिटनेस इंडस्ट्री में जर्नी कैसी होनी चाहिए, कहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है, कैसे कोर्स करना है, कैसे उन्हें इंटर्नशिप करनी है, कैसे जॉब करनी है, जॉब करने के बाद कब राइट टाइम आएगा उनको अपना जिम प्लान करना है, कहाँ पे करना है, फाइनेंसेस कैसे अरेंज करने हैं, ईच एंड एवरी वे वी आर। तो फिटनेस स्टार्टअप का
एक होल टाइम सॉल्यूशन है अल्टीमेट जिम सॉल्यूशंस, जिम सॉल्यूशंस करेक्ट। सो मैं आई थिंक जो समझ पाया हूँ और हमारे दर्शक भी इस बात को यही समझेंगे। तो अभिषेक, पीपल कम विद वेरीड स्कूल ऑफ थॉट, ऑब्वियसली वो एक फिटनेस लाइफस्टाइल से नहीं आए या उन्होंने अपने बड़ों की बातें ज़्यादा सुनी होती हैं कि भाई हम अपने टाइम में ये करते थे। बट यूथ ना मैंने देखा कि बहुत डिस्ट्रैक्ट भी होती है, वो घर जाके पढ़ती भी है, वो इंटरनेट पढ़ती है, वो ये पढ़ती है कि दूसरे एथलीट ने क्या किया है मैं वही कर लूँ। बट जब हम खुद पे देखते हैं तो हमारी बॉडी वैसी नहीं होती, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारा फूड, हमारा एनवायरनमेंट। मैं अभिषेक से ही बात कर रहा था कि अभिषेक 2008 में या 5 में आई थिंक वी बोथ वर इन दैट सिमिलर स्टेट कि व्हेन वी वर रीडिंग आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट ओनली एंड दे वर ओनली वेरी फ्यू हेल्थ मैगजीन्स जो हम मतलब वो भी कुछ, और वहाँ पे सारे सप्लीमेंट्स डॉलर्स में होते थे, है ना। एंड इंडिया में आई थिंक वे इज नाउ मोर अफोर्डेबल देन इट यूज टू बी। अब सप्लीमेंट शॉप्स आर नो मोर अ सप्लीमेंट शॉप, अब वो एक जनरल स्टोर बन चुके हैं। और ऐसा धड़ल्ले से सप्लीमेंट बिकता है जैसे राशन बिक रहा हो। मैं आपको रियलिटी बताऊं, इतनी डिमांड और इतनी सेल्स अपनी फूड सप्लीमेंट्स की इंक्रीज। आई मीन पहले 2 kg का वे मैं ऑलमोस्ट खरीदूं तो मैंने 5,000 रुपये का भी खरीदा हुआ है और अब 2 kg का 5,000 में नहीं आता है। नहीं आता है अभी, आता है बट उससे लेस कॉस्टली अवेलेबल हो गए। आई थिंक आई वुड से द क्रेडिट गोज टू अ लॉट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने रॉ वे सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि एटलीस्ट हमें इम्पोर्टेड, अगर जिनकी नई अफोर्डेबिलिटी है वो ले सकते हैं। जो बहुत एक्सपैंड कर दिए, पर यूथ को, यंग यूथ भी नहीं कहूँ, जनरली जो लोग फिटनेस को एक एज अ लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते हैं उनके लिए यू हैव एनी थिंग इन माइंड टू शेयर फॉर आवर ऑडियंस? देखो यूथ भी नहीं मैं कहूँगा, अब तो किसी को कोई 40-50 का भी हो उसे आप ओल्ड कह दो तो वो ऑफेंसिव हो जाते हैं। और एब्सोल्युटली है भी वही भाई, मेरे फादर, अगर मैं उन्हें बोलूँ ना डैड यू आर गेटिंग ओल्ड, ये वो मेरे ना मतलब मैं शो पे भी कह सकता हूँ, मैं डैड विल लाइक किसको बोल रहा है, मतलब लाइक नो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट बिकॉज दैट इज व्हाट आई वांट, आई डोंट वांट पीपल टू ग्रो ओल्ड। तो फिटनेस कीप्स देम यंग फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली। आई वुड से कि 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी चाहे आप किसी भी एज में हो, इट इज़ अ नेसेसिटी, क्योंकि जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जो आजकल के लेवल का स्ट्रेस है, लाइफ कितनी फास्ट हो गई है और जो बीमारियां नई नई आ रही हैं, जैसे आप लोगों ने 1-2 साल का सिनेरियो देखा ही है, तो इस पूरे सिनेरियो में अपने आप को फिट रखना, और फिट कैसे रख पाओगे, एटलीस्ट जब आप 1 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी करोगे। आई वुड नॉट से कि आप जिम ज्वाइन कर लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जिम ज्वाइन करो, पार्क में रनिंग करो, योगा करो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी से मेरा मतलब है जहाँ आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको सांस चढ़ रहा है, आपकी बॉडी का जोर लग रहा है, वो चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए यही एक मैसेज है और यही मैंने कोशिश करी है अपने लिए भी हमेशा। मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊँ, मुझे ना मेरी सिस्टर ने फिटनेस बैंड दिया, वो ना हर 3 घंटे में मुझे मैसेज देता है यू हैव बीन सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, वो करके बस करता है। और वो तुमने भी कुछ घड़ी या स्मार्ट वॉच कभी पहनी होगी, फिटनेस बैंड्स बहुत लोग पहनते हैं, वो ना मैसेज देते थोड़ी देर में कि आप ना बहुत देर बैठ गए भाई साहब, आप खड़े हो जाओ। तो वो पता है इतना आलस बंदों को होता है कि वो सीट से खड़े होते हैं और फिर वो बैठ जाते हैं। मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला केस है। तो मेरी और अभिषेक की बातें यूं ही चलती रहेंगी, मतलब चलती क्या रहेंगी, इतने साल से हम करते हैं, खत्म ही नहीं होंगी कभी, ये खत्म नहीं होंगी और हम बड़ी देर ज्ञान पे बात कर सकते हैं। एंड अभिषेक विल रहेंगे मैं अनफिट हो गया, मैं कहूँगा यू आर नॉट अनफिट, यू लुक एट मी आई एम रियली अनफिट, बट एटलीस्ट हम एक दूसरे की अनफिटनेस को भी तो डिस्कस कर सकते हैं इतनी देर, है ना। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग ड्यू मैं कहूँगा अभिषेक के साथ मेरा मिलना, मुलाकात करना और बात करना ड्यू था। और अभिषेक थैंक यू सो मच कि आपने प्लेजर, ये अपने पीछे ये अवार्ड देखें कितने ट्रॉफियां, ये एक्चुअली अभिषेक ने एक नया ऑफिस बनाया है इनके लिए यहाँ पे। ये एक्चुअली थोड़ा और देखोगे ना इधर साइडों में पीछे ये सब भरे पड़े हैं और बैठने की जगह कम है और दीवारों पे सारा सामान लगा हुआ है। तो ये अभिषेक की सक्सेस की बात करता है और अभिषेक के माइंडसेट की बात करते हैं। और अभिषेक की सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगी, अल्टीमेट फिटनेस ग्रुप, अल्टीमेट फिटनेस सॉल्यूशंस, अल्टीमेट फिटनेस एजुकेशन, जो भी इन्होंने शुरू किया है,
इसके पीछे एडी चेट, अभिषेक ने बहुत इसको ड्राइव किया, लेकिन अभिषेक के साथ अभिषेक के पार्टनर्स हैं, अभिषेक की पूरी टीम है और सब लोगों ने, अभिषेक हैज़ बीन अ वेरी गुड कैप्टन, आई वुड से इज़ अ वेरी गुड कैप्टन, जिन्होंने सबको सबका मान रखा है। मैं कहता हूँ कि अभिषेक के कभी भी पार्टनर्स भी मुझे मिलते हैं तो वो बहुत मान इज्जत से उन्हें मिलाते हैं और सबका बहुत हाई रिगार्ड है और ये पहचान जो है ये बहुत कम लोग बना पाते हैं। एंड अभिषेक आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू, इट वाज प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। और आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पर देखते रहें, मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक गगनेजा और आप हमें यूं ही देखते रहिए रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पर। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। आप देख रहे हैं आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे।